रखा था, ये गैस करेंगे पहले क्या हो सकता है। गैस करो। गैस रिंग। किसने बता दिया? नहीं बताया कसम से। गाइस एक बात बता दूं, ये मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं गुजरात। तो गाइस मैं जा रहा हूँ गुजरात। सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस आज का जो डे होने वाला है वो बहुत स्पेशल होने वाला है, बट वो स्पेशल डे रहा नहीं राधिका के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा है मेरे को। कल रात को तेजस बहुत ज़्यादा बीमार था, तो उसको हम रात को 12 बजे हॉस्पिटल लेके गए थे एमरजेंसी में। तो दवाई वगैरह दे के थोड़ा ठीक हुआ, फिर आके सोया, क्योंकि वो कल सारा दिन रो ही जा रहा था। मे बी उसके गले में मतलब स्वेलिंग आई हुई थी। कि आज है राधिका का बर्थडे, राधिका को मैंने विश नहीं किया रात को 12 बजे, तो मेरे को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है और मुझे पता है उसको भी बहुत ज़्यादा दुख हो रहा होगा। तो बाकी क्योंकि कल इतना ज़्यादा हैक्टिक था, इतना ज़्यादा कि पता ही नहीं चला, ये सब की तरफ ध्यान नहीं गया, आप समझ सकते होंगे। तो आज कुछ करेंगे स्पेशल राधिका के लिए, तो देखते हैं आज क्या प्लान बनता है। और किस्मत भी इतनी ख़राब है, बाहर बारिश हो रही है, बाकी कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। सबसे पहले गिफ्ट लेते हैं, उसके बाद आगे। तो मैं राधिका के लिए शॉपिंग करने आए हैं, बट मेरे को पता नहीं कि मतलब क्या लेना चाहिए। सो गाइस राधिका के लिए ड्रेस ले ली है, बट ये ड्रेस इसका गिफ्ट नहीं है, गिफ्ट इसके लिए कुछ और लेंगे, बट ये ड्रेस अभी आज पहनने के लिए है। उसी को ही वीडियो कॉल करके उसी से पूछा, बिकॉज थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि पहले मैं अपनी चॉइस से लेता था कपड़े जब वो पतली थी, बट अब वो मोटी होगी तो यार पता नहीं चलता उसको क्या जचेगा क्या नहीं, वो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने उससे पूछा। आप घर जाके आपको दिखा दे क्या लिए, और मेन जो गिफ्ट है वो क्या लूँगा वो बाद में आपको लास्ट में दिखेगा। हैप्पी बर्थडे बर्थडे गर्ल। थैंक यू। बर्थडे गर्ल कैसे हो? ये बर्थडे गर्ल तैयार हो के किधर जा रही है भाई? मेकअप करने। खुद मेकअप करके। हैप्पी बर्थडे बर्थडे। थैंक यू। बर्थडे इसके कपड़े अपने लिए मैं ज्यादा लेके आया हूं। आपका कपड़े इसमें? ये मेरा है, ये पैंट भी मेरी है। मेरा सिर्फ यही है। वही आपका सबसे ज्यादा खतरनाक है। हाँ छोटू ऊंचा। You have to try. Wait. तो ये ट्राई करके देखेगी, ये बोल रहे कि लंबा है और छोटा भी है, तो लेट्स ट्राई। तो क्या ये ड्रेस हो चुकी है राधिका को, छोटी बिल्कुल ही छोटी, ऊपर तक भी नहीं गई। अब ये ड्रेस हमको करनी पड़ेगी वापस, या फिर बड़ा साइज लेंगे। बड़ा साइज तो वैसे है नहीं, तो चेंज ही करना पड़ेगा। So guys, finally मैं आ चुका हूँ घर, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक दिन था। सामान ले आया हूँ, आपको अनबॉक्सिंग दिखाऊंगा जब मैं उसको दूंगा, तो उसका रिएक्शन देखते हैं। काफ़ी टाइम से बोल रही थी मेरे को डायमंड रिंग चाहिए, बट नहीं ले पा रहा था, बट आज ले आया हूँ, तो जब उसको दूंगा तो रिएक्शन देखने वाला होगा। लालू। सो गाइस राधिका गई हुई है मेकअप करने, तो आज घर पे नहीं है वो। उसको लग रहा है कि घर पे मैं शायद कोई तैयारी करूँगा ये, क्योंकि हर बार सेम यही होता है कि घर पे हम लोग सजावट करते हैं, उसके वो आते हैं सरप्राइज करते हैं, मतलब हर बार सेम। थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगा, तो इस बार उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कुछ होने भी वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको बाहर कहीं पर क्लब में डिनर वगैरह करने लेके जाऊँ, क्योंकि वही चीज़ उसको सबसे ज़्यादा पसंद है। तो गाइस हम लोग हो चुके हैं रेडी, आप ऊपर से नीचे तक दिखा दो। अब हम लोग जा रहे हैं राधिका की पार्टी में, तो राधिका आज पार्टी दे रही है, देखते हैं क्या खिलाएगी। मेरे को कुछ नहीं पता, मैं अभी कपड़े खोल के बैठ गई हूं, फिर मैं पार्टी कुछ नहीं दे रही हूं। चलो गुड नाइट गाइस, मजाक करो, और जाना तो पड़ेगा ढाबे में, खाना खाने जा रहे हैं, तो ढाबे से खाना खा के घर वापस आते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं यहां पे, महफिल सज चुकी है, और यहां से व्यू देखेंगे नीचे। नहीं अभी महफिल सजी नहीं, सजने वाली है, मतलब मेन्यू आ चुका है, अब जब मेन्यू से सामान मंगाएंगे तो महफिल सजेगी और नीचे जाके करेंगे डांस। नीचे है डीजे और ऊपर शांत, मतलब जिसने शांत खाना पीना है ऊपर, उसके बाद जब डांस करना है फिर नीचे। तो भाई राधिका को ऊपर छोड़ के आया हूँ, मेन गिफ्ट
हमने यहाँ पे छुपाया हुआ है, यहाँ मेन गिफ्ट में गाड़ी के यहाँ पे छुपाया हुआ था, यहाँ से निकालेंगे जब केक काटेगी तब देंगे। दीपक का दिल तोड़ा ना इसलिए टूट गया। सो गाइस इसका जो मेन गिफ्ट था वो हमने छुपा के रखा था, ये गैस करेंगे पहले क्या हो सकता है। गैस करो। गैस रिंग। किसने बता दिया? नहीं बताया कसम से। तो गाइस इसने सारा खेल बर्बाद कर दिया, लेकिन ये नहीं कुकर की सीटी है। राम भरोसे है, ले आए बचा के भगवान प्लीज। टाइट हो गया भाई, ये वाली उंगली में टाइट हो गया। सच्ची टाइट है। अब दूसरी उंगली में नहीं आ सकता क्या? किसी इसी उंगली में नहीं है। टाइट था। ओके रिपोर्ट। आधा इंच टाइट था ना। थैंक यू। तो ये बहुत साल से डिमांड कर रही थी मुझे चाहिए, तो फाइनली आज मिल गए हैं। फाइनली मुझे मिल गए। उतार के फेंक दी। पुरानी दिख में मैंने दिए, वो फेंकना मत। इधर लगा लूंगी मैं। गाइस खाना आ चुका है और केक भी कट चुका है, अब हमारी बारी है वाइप करने की। इसके बाद नीचे डांस करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले फ्रेंच फ्राइज दिखा लेते। तो गाइस हम लोग अब जा रहे हैं नीचे। राधिका सच्ची बताओ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। क्या अच्छा लगा? और मुझे काफी टाइम से बोलना था कि पार्टी बहुत अच्छे। खुश हो? हां जी, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि पार्टी पूरी करूंगा। मेरे को ये था कि कुछ नहीं करूंगा। So guys, जहाँ खड़ी है बर्थडे गर्ल, ये सरप्राइज तो अभी बाकी था। जो नेक्स्ट लोकेशन है हमारी वो है नीचे। ऊपर की वाइब हो चुके खत्म, अब आ चुके हैं नीचे। और सर यहाँ भी मिल चुके हैं, जो है पार्क मिले थे। थैंक यू सर। थैंक यू। हम जहाँ भी जाते हैं हम भाई के पास आते हैं। ये लड़का पहली बार अपनी मम्मी के बर्थडे पे नहीं रो रहा, वरना हर बार रोता है। तेजस डांची। ओए क्या बात है भाई, ये तो विंड मिल मार रहे हैं। नहीं देना।
तो ये लोगों ने पूछा नहीं उधर आइसक्रीम है कि नहीं है, अलग से इतनी दूर ले आया आइसक्रीम खाने का। क्या उधर आइसक्रीम नहीं थी? क्या उधर आइसक्रीम नहीं थी? क्या उधर आइसक्रीम थी? फिर यहाँ क्यों आए? ले भाई अलग ही भाई। So guys, ये है नेक्स्ट डे और कल बहुत ज्यादा एंजॉय हुआ, बहुत मजा है। बाकी दादी को बताएं कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे डायमंड का रिंग मिलेगा, क्योंकि मुझे बहुत पहले से शौक था कि डायमंड का रिंग मुझे बहुत पसंद है। पर दीपक ने एक दो बार मना किया था, डायमंड वेस्टेज है क्योंकि ये आगे काम नहीं आएगा। मैंने कहा मेरे को चाहिए डायमंड, क्योंकि इसकी रीसेल नहीं होती, मैं बता चुका हूँ। बट ये डायमंड है प्लस गोल्ड भी तो है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। और कल बहुत इंजॉय किया मैंने, क्योंकि बहुत ज़्यादा हौज पोच सा नहीं था। तेजस को भी लेके गए थे और तेजस ने भी बहुत इंजॉय किया। शांत था, इतना ज़्यादा भीड़ भड़ाका नहीं था। हाँ, ऐसे लगा था पूरा प्राइवेट पूरा हमने प्राइवेट बुकिंग की थी। तो मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो लव यू ऑल। और गाइस एक बात बता दूं, ये मुझको छोड़ के जा रहे हैं गुजरात। तो गाइस मैं जा रहा हूं गुजरात, इसका नेक्स्ट व्लॉग जो होएगा वो होएगा गुजरात का, मेरे को लेके बट राधिका के बिना होएगा। क्या करने जा रहा हूं वो आपको वहीं जाके पता लगेगा। बाकी जो जो गुजरात से कमेंट में लिखो कौन कौन हो, और अच्छी अच्छी जगह बताओ गुजरात में, खाने वाली चीजें बताओ, अच्छे रेस्टोरेंट्स बताओ, कुछ भी मत बताओ, मेन अच्छा होटल बताओ। और जहाँ मुझे मजा आया तो राधिका को नेक्स्ट टाइम लेके जाऊंगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल।